तो लोकसभा चुनाव 2019 का चौथा चरण, आज राजस्थान के राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव ने भी यहां पर वोट डाला है। कुंदन नगर सामुदायिक भवन के बूथ नंबर 198 पर उन्होंने मतदान किया और पूरे परिवार के साथ उन्होंने यहां पर वोट डाला। भूपेंद्र यादव राज्यसभा सांसद हैं और इन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ इस लोकतंत्र के महाकुंभ में अपनी भागीदारी भी निभाई है। लगातार हम आपको पूरे प्रदेश भर की जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं, कौन कौन से वो प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत जो है आज ईवीएम में कैद हो जाएगी वो भी यहां पर बता रहे हैं, और उसके अलावा जिन जिन प्रत्याशियों ने वोट डाला है उनका क्या कुछ रिएक्शन रहा है वो भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो इस लोकतंत्र के महाकुंभ में हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो नव मतदाता हो, चाहे पुरुष हो, महिला हो, उनमें जो उत्साह है वो साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। इस भीषण गर्मी में भी वो घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लगातार पूरे प्रदेश भर की हम अलग अलग तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भूपेंद्र यादव जो कि राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने आज अपने पूरे परिवार के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो 13 लोकसभा सीट जहां पर ये मतदान इस वक्त चल रहा है, शाम 6 बजे तक ये मतदान जारी रहेगा और वोटिंग प्रतिशत भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये एक संतोषजनक बात है कि लोगों में काफ़ी अब जागरूकता जो है वो देखने को मिल रही है और निर्वाचन विभाग भी ने भी इसके लिए कई प्रयास भी किए और उसका जो नतीजा है वो साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। कुछ आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं जहां पर लोग उत्साह से वहां पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं।